जनता पार्टी को 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों ने शुरू में काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, तो हिंदू पक्ष के लोग भी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में आ गए हैं। और साथ ही साथ एक बंदा मक्के में गया है और मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए यानी कि दुआएं मांग रहा है। उसका वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा और क्या क्या उसने कहा है वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी जी ने सभी मुसलमानों के लिए एक पैगाम दिया है, वो क्या पैगाम है इसके बारे में भी बताने वाला हूं। और एक मस्जिद में शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, वो कौन सी मस्जिद है, क्या अपडेट है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। सऊदी अरब में भी गैर मुल्कियों से रिलेटिव काफ़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है, उनकी जॉब खतरे में है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर जो अपडेट आ रही है, गुजरात के जूनागढ़ से उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन एक और मामले में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। राजस्थान के कुछ में गिरफ़्तार किया गया है, यहाँ से बेल मिलने के बाद में राजस्थान के कुछ ले जाया गया है, वहाँ पर उनको अभी रखा गया है जेल में। लेकिन आज उनकी सुनवाई होगी, आज उनकी पेशी है कोर्ट में और हो सकता है उन्हें वहाँ से भी बेल मिल जाए। लेकिन इस समय काफ़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजस्थान में भी काफ़ी तादाद में लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को जो गिरफ़्तार किया गया है ये पूरी तरीके से गलत है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टाइम पर गैर मुस्लिम लोग भी मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में आ गए हैं और क्या कह रहे हैं आप इस वीडियो को सुनिए। तुरंत रिहा करो, हम मुफ्ती के साथ हैं, इसलिए है यदि यह कानून है तो लोकसभा में जो बयान दिया गया था शब्द कहा था उनको भी गिरफ्तार करिए, किसान नहीं तो हम लोग भी उसी के साथ रह करके आंदोलन करने का काम। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं काजल हिंदुस्तानी, इनका नाम है काजल हिंदुस्तानी, इनका नफरती बयान क्या है मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। मैं सुना तो सकता नहीं लेकिन बता देता हूँ इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि हिंदू की दुकान पर जाओ, हिंदुओं से ही सामान खरीदो, अगर वो 10-20 रुपये महंगा भी दे रहा है तब भी हिंदू से ही सामान खरीदो, 1 किलो नहीं ले सकते हो तो आधा किलो लो, लेकिन हिंदू के पास ही जाओ। तो इस तरीके से बांटने की कोशिश की जा रही है। और भी अपने बयान में इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं लेकिन उसे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग समझ जाइए कि क्या क्या बोला होगा। मैंने इतना आप लोगों को बता दिया और आगे क्या क्या इन लोगों ने बोला होगा। तो इस तरीके के नफरती बयान दिए जा रहे हैं लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की इन पर कार्रवाई नहीं होती। जैसा कि आप लोगों ने बाबा जी को सुना होगा, तो सभी लोग एक से नहीं होते हैं, कुछ लोग ठीक भी होते हैं कुछ लोग ख़राब भी होते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझना होगा कि इस टाइम पर इस तरीके के मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं इसीलिए बहुत ज़्यादा बांटने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ना ही रोज़गार मिल रहा है ना ही नौकरियां मिल रही हैं, इसलिए अब इस तरीके से बांटने की कोशिश की जा रही है। और एक अपडेट और आ रही है, एक मस्जिद के नीचे और शिवलिंग निकल गया। मध्य प्रदेश के भोपाल से एक खबर आ रही है जिसमें हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और इसके नीचे शिवलिंग है। तो ये दावा किया जा रहा है, मतलब धीरे धीरे सभी मस्जिद के नीचे शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि ज्ञान बापी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया था, हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाज़त दे दी थी, उस पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। अब ये नया मुद्दा सामने आ गया कि भोपाल की जामा मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, अब इस पर भी दावा किया जा रहा है, वहाँ भी खुदाई करने की मांग की जाएगी कुछ दिनों के बाद में। और जैसा कि आप लोगों ने शुरू में एक वीडियो देखा होगा जिसमें मोदी जी की लंबी उम्र की दुआ मांग रहा है एक बंदा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो मक्का गया है उम्रा करने के लिए और मोदी जी के लिए दुआ मांग रहा है और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जीतने की भी दुआ मांग रहा है। आप इस वीडियो को भी सुन लीजिए और इसके बारे में आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उमरा पर हूँ और हरम शरीफ में हूँ, काबा शरीफ के बिल्कुल पास में, और उमरा कर रहा हूँ
भारतीय जनता पार्टी को 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड जीत को विजय। और एक बयान असदुद्दीन ओवैसी जी का भी आ रहा है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जी ने मुसलमानों से एक अपील की है। उन्होंने एक पैगाम दिया है कि मुसलमानों नमाज की पाबंदी करो, जो लोग नमाज छोड़ देते हैं वो नुकसान में रहते हैं। तो शबे मेराज के मौके पर असदुद्दीन ओवैसी जी ने सभी मुसलमानों से अपील की है, सभी मुसलमान को एक पैगाम दिया है कि शबे मेराज के मौके पर नमाज की दावत दी है उन्होंने, और सभी मुसलमानों से कहा है कि नमाज की पाबंदी करें। तो आप में से कितने मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं या आप पढ़ेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सऊदी अरब के मक्का से अयोध्या में जो मस्जिद बनने वाली है उसके लिए ईंट आई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी कि सऊदी अरब के मक्का से अयोध्या में मस्जिद जो बनने वाली है उसके लिए ईंट आई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते होंगे। और दूसरी अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, जो कि गैर मुल्कियों के हवाले से आ रही है। इस समय सऊदी अरब के जद्दा में सब्जी मंडी में सभी गैर मुल्कियों को निकाला जा रहा है, बेचना और ख़रीदने पर पाबंदी लगा दी है पूरी तरीके से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को जो भी सब्जी मंडी के अंदर अपना दुकान अपना कारोबार करते थे, अब उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। ये पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब इस समय इतनी कड़ी चेकिंग की जा रही है कि कोई भी सब्जी मंडी के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि पूरी तरीके से ख़रीदारी करने पर और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और साथ ही गेट पर अधिकारी खड़े हुए हैं सब्जी मंडी गेट पर, और सभी लोगों का इकामा चेक कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं ये बंदा क्या है और कौन सा प्रोविज़न है, इसके इकामे पे कौन सा काम लिखा हुआ है। बहुत से लोग क्या करते थे, ड्राइवर का इकामा है, वो वहाँ से सब्जी ख़रीदता था और बाहर इधर उधर बेच देता था, तो इस तरीके से भी कारोबार कर रहे थे बहुत सारे लोग। तो इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी बंदा सऊदी अरब के जद्दा की मंडी में, इस समय काफ़ी कड़ी चेकिंग हो रही है, कोई भी इस तरीके का कारोबार नहीं कर सकता। अब सऊदी के नागरिक ही उस सब्जी मंडी में सामान बेच सकेंगे। तो ये पहले ही मतलब सऊदी जैसन का ऐलान कर दिया गया था, जो भी सब्जी मंडी में काम करते हैं गैर मुल्की, उन लोगों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन बहुत सारे लोग इसको काम को अभी भी कर रहे थे, लेकिन इतनी कड़ी चेकिंग नहीं हो रही थी जितनी कड़ी चेकिंग अब की गई है। तो सऊदी जैसन सऊदी अरब के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, गैर मुल्कियों को बड़े बड़े सेक्टरों से निकाला जा रहा है, धीरे धीरे उनकी जॉब्स जा रही हैं। और एक अपडेट आ रही है, सऊदी अरब ने इसराइल से साफ साफ कह दिया है कि जब तक फिलिस्तीन अलग राज्य नहीं बन जाता, तब तक हम किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक लेन देन या किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखेंगे। और एक अपडेट और आ रही है, जिसमें सऊदी अरब ने $10 मिलियन का समझौता किया है फिलिस्तीन के अंदर स्वास्थ्य सेवा को लेकर। अपडेट में बताया जा रहा है, सऊदी अरब के किंग सलमान सहायता केंद्र ने गाजा के पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य सेवा के लिए $10 मिलियन दान करने के लिए स्वास्थ्य संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी उसके लिए $10 मिलियन दान करने का ऐलान कर दिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो आने पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।